नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आपकी तमाम क्वेरीज को शो में शामिल करेंगे, साथ ही साथ मार्केट का पूरा एक्शन भी बताएंगे। एफ एंड बाजार में क्या हलचल है, क्या अपडेट्स है, उसके बारे में पूरा ब्यौरा लेंगे। लेकिन अभी अगर देखें तो मार्केट्स की आज कमजोर शुरुआत हुई और अभी भी निफ्टी 7850 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 7816 के लेवल पर दिन के निचले स्तरों पर भारतीय बाजार आ चुके हैं। 1% नीचे निफ्टी। वहीं जो सबसे ज्यादा कमजोरी जिन सेक्टर्स में आज दिखी है उनमें बैंक्स और ऑटो स्टॉक्स लीड कर रहे हैं। मुनाफा वसूली आज ऑटो शेयर में काफी हावी हुई है। मारुति सुजुकी, M&M, हीरो मोटोकॉप, ये कुछ प्रसाइज स्टॉक्स है जो सबसे ज्यादा कमजोरी आज के सत्र में दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई ऑटो स्टॉक्स में, उसकी वजह रही है जो क्रैश टेस्ट में कार्स फेल हुई हैं जिनमें प्रिसाइसली गारे रही हैं M&M की और मारुति सुजुकी की, जो लिस्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं। आप देखिए सभी स्टॉक्स दबाव में ट्रेड करें। मारुति सुजुकी 2.25% नीचे, हीरो मोटोकॉप में भी उसी क्वांटम में बिकवाली देखी जा रही है। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, M&M भी प्रेशर में ही इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। कुछ सेलेक्टिव स्पेस हैं हालांकि जहां पर खरीदारी दिख रही है। ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरी शेयर भी आज मुनाफा वसूली की चपेट में आए हैं। मदरसन सुमी कल स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बाद 8% चला था, आज वापस 4.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। भारत फोर्ज, बॉश, मुंजार ऑटो, सोनाको, ये कुछ और लूजर्स हैं ऑटो एंसिलरी पॉकेट से। खरीदारी दिखी है आज एनर्जी स्टॉक्स में, साथ ही खरीदारी दिखी है आज SBM और SBT यानी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में। दरअसल SBR उसके एसोसिएट बैंकों के मर्जर को बैंक बोर्ड ब्यूरो की मंजूरी मिल चुकी है और अब सरकार से मंजूरी मांगी है, तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। हालांकि ज्यादातर ब्रोकर इंस्टीट्यूशंस मानते हैं कि जो छोटे और सिक बैंक्स हैं वो उनको फायदा होगा कंसोलिडेशन प्रोसेस अगर बैंकिंग में शुरू होता है तो। लेकिन एनर्जी स्टॉक्स जो है वो उछाल के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। चुनिंदा एग्री स्टॉक्स भी हैं जहां पर हमने लगातार खरीदारी देखी और वो मोमेंटम आज भी बना हुआ है। आप देखिए आज के सेशन में मोनसेंटो को, आज के सेशन में आप देखिए PI इंडस्ट्रीज को, तो सिलेक्टिव एग्री स्टॉक्स आज भी वीक मार्केट में भी परफॉर्म कर रहे हैं। चुनिंदा एग्री शेयर में खरीदारी है। कुछ परफॉर्मर्स आपके स्क्रीन पर जिनमें रैलीज इंडिया, PI इंडस्ट्रीज, LT फूड जैसे स्टॉक्स बने हुए हैं। आज कुछ नतीजे भी आने हैं, उन पर भी नजर रहेगी। उनमें सबसे खास रहेगा पंजाब नेशनल बैंक, साथ ही बैंकिंग से कॉरपोरेशन बैंक एक और स्टॉक होगा। FB इंडस्ट्रीज, PTC, टाटा कम्युनिकेशन, कुछ और अर्निंग्स आज के लिए। एब्सोल्युटली, चलिए और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका बाजार केस एडिशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ विकास सेठी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ चंदन तापरिया भी होंगे जो कि आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। सबसे पहले आपको तरीका बता देते हैं, अगर आप भी इस शो में शामिल होना चाहते हैं, शेयर से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरीज पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप के जरिए आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 7840200000 पर आप हमें अपना शेयर लिखिए, क्वांटिटी लिखिए, शेयर का भाव लिखिए, ये सभी डिटेल्स आप अपने नाम के साथ भेज सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आंसर जरूर करेंगे। साथ ही हम हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री लाइन जो है वो ओपन रहेगी और आप इस शो के दौरान हमें कॉल करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसी के साथ शुरुआत करेंगे अब आज के सवाल जवाब के सिलसिले की। पहला सवाल शामिल करते हैं व्हाट्सएप के जरिए, ये सवाल हमारे पास आया है कोलकाता से। सूरज जीत ये सवाल पूछ रहे हैं ONGC पर। 35 शेयर्स हैं इनके पास, 375 के परचेजिंग प्राइस के साथ इन्होंने खरीदारी की हुई है। मिस्टर सेरी, गुड मॉर्निंग टू यू। शुरुआत आप ही के साथ होगी। ONGC पिछले 2-3 दिनों से अच्छा उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हालांकि इनके खरीद भाव से अभी भी ये जो प्राइस है वो काफी नीचे है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इनकी? आप गुड मॉर्निंग साक्षी, ये जो निवेशक ने ONGC खरीदा है अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ऊंचे लेवल पे खरीदा है और काफ़ी नुकसान में बैठे हैं। बट मुझे लगता है जिन लेवल्स पे ये अभी स्टॉक ट्रेड करता है और जिस तरह से क्रूड के दामों में उछाल देखा जा रहा है, यहाँ से बिल्कुल थोड़े अपसाइड बन सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड एंड फिर थोड़े अपसाइड में इनके जब लॉस कुछ कम होते हैं देन आई वुड रिकमेंड एन एग्जिट। अगले कॉलर हमारे साथ राहुल है फोन लाइन पर सहारनपुर से। राहुल गुड मॉर्निंग, क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम गुड मॉर्निंग। मैडम एक बस मैं टीवी सेट के आगे नहीं बैठा हूँ, इसलिए कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, आपके फोन लाइन डिस्कनेक्ट नहीं होगी, अपना सवाल आप पूछिए। मैडम एक तो मैंने PNB लिया है 82 के रेट पे 1000 शेयर और दूसरा मैंने यूनियन बैंक लिया है 135 के रेट पे 500 शेयर। ठीक है मैडम, अगर इसमें हम एक साल का व्यू रखे क्या यहाँ से स्टॉक डबल हो सकता है? ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं। मिस्टर सेठी, मैं आपके ही कमेंट्स लेना चाहूंगी पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक पर। पंजाब नेशनल बैंक इन्होंने 82 पर खरीदा है, नुकसान में है, आज नतीजे भी आने हैं और कमजोर नतीजे रह सकते हैं, यही ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स मान रहे हैं और प्रोजेक्शंस भी यही है। दूसरा यूनियन बैंक इनके पास 135 के भाव पर है, तो क्या करना चाहिए? साल भर के नजरिए से इन PSU बैंकों को होल्ड करना चाहिए या फिर जो भी नुकसान हो रहा है लेकर बाहर आ जाए, कुछ दूसरे शेयर्स पिक करें? मैडम
बिल्कुल दीपाली, मेरी राय नेगेटिव रहेगी। मेरा ये मानना है पीएसयू बैंक्स में अभी परफॉर्मेंस में सुधार होने में काफ़ी वक्त लगेगा, और वहाँ पे भी अगर किसी को पीएसयू बैंकिंग स्पेस में बने रहना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा वुड बी माय प्रेफर्ड चॉइस। बट स्टिल आई वुड से कि अगर इनका एक साल का नजरिया है तो ही शुड स्विच टू सम गुड क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वहाँ से रिलेटिव परफॉर्मेंस अच्छा होने की उम्मीद है। ऑल राइट, चलिए यहाँ से आपको स्विच करने की ही सलाह दी गई है। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल है वो आया है व्हाट्सएप के जरिए। नवसरी से केतन ने ये सवाल भेजा है, आरईसी पर ये जानना चाहते हैं। 4500 शेयर्स हैं इनके पास, 159 का इनका परचेजिंग प्राइस है। मिस्टर चंदन तापरिया भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर तापरिया, गुड मॉर्निंग टू यू। आरईसी पर ये जानना चाहते हैं 159 के परचेजिंग प्राइस के साथ, उसी के आसपास अभी ट्रेड भी हो रहा है, क्या सलाह होगी आपकी? जी नमस्कार। देखिए आरईसी है वो काफी दिनों से काफी सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा है, मार्केट में अपसिंग डाउनसिंग देखने को मिल रहा है, बट ये स्टॉक सस्टेन सेलिंग प्रेशर दिखाते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट ये अपने 6 साल के लोवेस्ट लेवल पे है, हालांकि जरूर ये एक मल्टीपल सपोर्ट के आसपास आ चुका है क्योंकि पिछले लगभग 10 से 12 सप्ताह से 152 के आसपास आके स्टॉक टर्न हो जाता है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट इसका वीक हो चुका है। जब भी कोई बाउंस बैक आता है स्टॉक में वापस सेलिंग आ जाती है, और शायद ये पीएसयू कंपनी है उसकी वजह से भी ये प्रेशर नजर आ रहे हैं। तो यदि उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन ले लिए तो सलाह यही रहेगी कि 152 का लेवल को फॉलो करें, 152 तोड़ते हैं तो निकल जाइए, अदरवाइज एक बाउंस बैक आ सकता है जो आपको 172 से लेकर 175 तक दिला सकता है। तो मेरे हिसाब से 152 का लेवल फॉलो करके कोई भी बाउंस बैक में आपकी पोजीशन को निकालने की सलाह रहेगी। अगले कॉलर गुलशन है बिजनौर से हमारे साथ। गुलशन गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मैंने 158 में शेयर लिए हैं, 300 IDBI के ले रखे हैं जी, 5-6 साल हो गए, तो क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है, आपको कमेंट दिलवा देते हैं। मिस्टर सेठी, पुरानी खरीद है इनकी IDBI बैंक में, इसीलिए जो इनका परचेजिंग प्राइस IDBI बैंक में वो 158 रुपीज का है। अभी रख सकते हैं थोड़ा समय, लेकिन करना क्या चाहिए क्योंकि नुकसान इनको काफी हो रहा है, स्टॉक अभी 64 रुपए पर आ चुका है। बिल्कुल दीपाली, खरीद बहुत ऊंचे लेवल की है और नुकसान पे बैठे हैं, बट IDBI में जिस तरह से सरकार का एक जो अनाउंसमेंट्स आए हैं, मैनेजमेंट में चेंजेस, फिर वो जो स्टेक सेल की भी बातें हो रही है ऑन द लाइंस ऑफ एक्सिस बैंक, तो मुझे लगता है यहाँ से बिल्कुल अपसाइड इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं, तो मेरी राय में निवेशक को इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आपको यहाँ पर होल्ड करने की ही सलाह दी गई है। अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास जो व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है वो महाराष्ट्र से वैभव का है। टेक्समैको रेल पर ये जानना चाहते हैं, 1000 शेयर्स है इनके पास, इनका परचेजिंग प्राइस है 104 का। मिस्टर तापरिया, टेक्समैको रेल आपको कैसा लगता है रेलवे स्पेस में से, और यहाँ पर इनको क्या सलाह देंगे? 99.75 के करंट भाव से अभी चल रहा है, तो इनको कुछ नुकसान तो यहाँ जरूर हो रहा है। जी देखिए, मोस्ट ऑफ द रेलवे काउंटर्स है वो जब रेलवे बजट रहता है उसी टाइम मूवमेंट आते हैं, उसके बाद में इसमें मोमेंटम लूज होते हुए देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट देखें, कुछ सप्ताह पहले या कुछ महीने पहले स्टॉक 155 के आसपास ट्रेड हुआ करता था, और वहाँ से लगभग 30-40% का डाउन साइड ऑलरेडी देख चुके हैं। रिसेंटली 90 का बॉटम बनाया, बट स्टॉक अपने वीकली चार्ट में एक नेगेटिव पैटर्न बना रहा है, उस नेगेटिव पैटर्न की वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। जरूर शॉर्ट टर्म में ये अपने सपोर्ट 95-96 को होल्ड कर रहा है, बट यदि वो तोड़ता है तो मेरे हिसाब से भी क्वाली गिरा सकता है। तो सलाह ये रहेगी कि आप दूसरे स्टॉक में शिफ्ट करें, और या फिर आप ट्रेडर मेंटेलिटी रखते हो तो 95 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 105 का लेवल निकलेगा तभी जाके कोई रिलीफ यहाँ पर देखने को मिलेगी जी। चलिए इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स को एक बार फिर से देखते हैं। आज बिकवाली हमने पूरी ऑटो स्पेस में देखी है, और जो क्रैश टेस्ट किया ग्लोबल NCAP में, उसमें उन्होंने जो रेटिंग दी है वो 0 दी है कुछ सेलेक्टिव मॉडल्स को। इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर RC भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है मारुति सुजुकी के। मिस्टर भार्गव, गुड मॉर्निंग। सर, पहला जो ये रिपोर्ट आई है NCAP की, उसमें उन्होंने कहा है कि जो ज़्यादातर इंडियन कार्स हैं वो फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हुई है। मारुति सिलेरियो का भी यहाँ पर नाम आया है, एक ऐसा मॉडल जो कि जिसकी सेल्स कंपनी की काफ़ी अच्छी देखी जा रही हैं, ऑटोमेटिक वर्जन ने कंपनी ने लॉन्च किया है और काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। तो सर, पहला कमेंट आपका क्या है, क्या एक ये सीरियस कंसर्न है? देखिए, किसी भी मुल्क में रोड सेफ्टी और टेस्टिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो वहाँ की सरकार फिक्स करती है, ना कि कोई बाहर की एजेंसी जिसका कोई हिंदुस्तान में लोकल स्टैंडर्ड ही नहीं है वो आके हमारे स्टैंडर्ड हमारे लिए फिक्स करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी स्टैंडर्ड सेफ्टी और टेस्टिंग के लिए करे हुए हैं वो मारुति हरदम मीट करती आई है, करती रहेगी और समय से पहले मीट करती रहेगी। Right. तो क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, उनके रूल्स एंड लॉज फॉलो करते हैं जी। मैं नहीं समझता कि हमें कोई
जरूरत है कि किसी और बाहर की एजेंसी के कहने पे हम अपने स्टैंडर्ड बदलें, चाहे वो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड से कंसिस्टेंट हो या नहीं हो। जी मिस्टर भार्गव, क्या आपका ये कहना है कि जब से अब नए क्रैश टेस्ट के रेगुलेशंस की किन होते हुए नजर आएंगे 2017 से, तो क्या उसके लिए भारतीय कंपनियां इंक्लूडिंग मारुति सुजुकी अब अपने सेफ्टी जो मेजर्स हैं या नॉर्म्स हैं उनको अपग्रेड नहीं करेगी? नहीं, जो भी 2017 के स्टैंडर्ड गवर्नमेंट फिक्स करेगी, हम उन स्टैंडर्ड्स को समय से पहले मीट करेंगे, और जो भी गाड़ियों में चेंजेस की जरूरत होगी वो चेंजेस जो डेडलाइन फिक्स करी है उस समय से पहले ही कर देंगे। जी मिस्टर भार्गव, जिस तरह से आपने कहा कि हाँ 2017 नॉर्म्स को मीट करने के लिए अपग्रेड आप करेंगे, तो एग्जैक्टली आप बता पाएंगे कि किन किन मॉडल्स में आप को आप अपग्रेड करेंगे उस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मारुति की ऐसी कंपनी जो कि बजट कार से लेकर प्रीमियम कार्स में भी डील करती है। देखिए, मैं हर एक कार का तो इस हमारे इतने सारे मॉडल है उन सबका जिक्र यहाँ कर नहीं सकता, मगर आप इस पे बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो भी हम जरूरत होगी हर एक मॉडल में वो करेंगे। अब जैसे ब्रेजा हमने इंट्रोड्यूस करी है अभी, ब्रेजा सारे फ्रंटल क्रैश टेस्ट और ऑफसेट के जो क्रैश टेस्ट हैं दोनों मीट करती है। ऑलरेडी 17 में रिक्वायरमेंट है, हम तो अभी से मीट करके लॉन्च जब इंट्रोड्यूस किया तो उसको ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि वो ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड मीट करते हैं। तो ऐसे जिस मॉडल में जो भी चीज़ करने की जरूरत होगी वो हम 17 की डेडलाइन है उससे पहले चेंजेस कर देंगे। राइट मिस्टर भार्गव, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दूसरों के कंट्रीज के हिसाब से हमें उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करना चाहिए, क्या अब आगे जाते हुए इंडिया को अपना एक एनसीएपी प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए जैसे कि बाकी ग्लोबल कंट्रीज में ऑलरेडी अपना है? ये अमेरिका में जो स्टैंडर्ड है एनसीएपी का, वो जो उनके रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है क्रैश टेस्ट का, उससे एकदम बराबर है, फर्क नहीं है। यूरोप में जरूर फर्क है, और अब यहाँ पर देखना होगा कि गवर्नमेंट क्या फिक्स करती है या एनसीएपी स्टैंडर्ड क्या करती है, बट ये स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी नहीं होंगे, ये वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स होंगे। जी, जी, जी। और जो करना चाहेगा करेगा, नहीं करना चाहेगा नहीं करेगा, ये हर एक कंपनी को हर एक मॉडल के लिए समय पर फैसला लेना होगा कि उनको क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। जी मिस्टर भार्गव, मैं वापस से लहरों पर आपसे एक और कमेंट लेना चाहूंगी। जिस तरह से आपने कहा कि हाँ 2017 जो नॉर्म्स उनको मीट करने के लिए आप अपग्रेड करेंगे मॉडल्स को, लेकिन क्योंकि सिलेरियो आपका कोई बहुत पुराना मॉडल नहीं है, हाल ही में आपने लॉन्च किया, तो पहले से ही क्यों नहीं उसको स्टैंडर्ड्स के लिहाज से आप लेकर आए, क्योंकि ब्रेजा है या फिर विटारा उनको आप उन्हीं मानकों के हिसाब से लेकर आ रहे हैं? देखिए, ब्रेजा को किया हमने, अभी लॉन्च हुई है। सिलेरियो को लॉन्च करे हुए मेरे ख्याल से 1.5 साल करीब ऑलरेडी हो चुका है, और 17 के लिए 2.5 साल का समय था, उस तक तो मॉडल चेंज ऑलरेडी माइनर चेंजेस का समय आ जाता है, उस वक्त करने का इरादा है। तो ऐसे में मिस्टर भार्गव, सिलेरियो की अगर प्रिसाइसली बात करें तो यहाँ पर अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या आप इसको अपग्रेड करेंगे, क्योंकि इस डेवलपमेंट के बाद कुछ प्लेयर्स जैसे रेनो जैसे प्लेयर्स ने कहा है कि वो अपने क्विड को या फिर सर्टेन मॉडल्स को अब सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिहाज से लेकर आएंगे जो कि कंसर्न एनसीएपी ने पुट ऑन किए हैं? मैंने एनसीएपी की कंसर्न से हमें कोई ताल्लुक नहीं है, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंडर्ड से हरदम चलेंगे। जी जी, लेकिन लेकिन एनसीएपी से भले ही कोई ताल्लुक ना हो मिस्टर भार्गव, लेकिन सेफ्टी एक जरूर कंसर्न है, क्योंकि आप देखें कि भले ही चाहे आप मानते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिहाज से आपकी कारें फिट हैं फिलहाल, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद कंसर्न जरूर इमर्ज हुए हैं, उसको कैसे डील करेंगे आप? नहीं नहीं, देखिए कोई भी इंसान आके और एक नया स्टैंडर्ड बना के कहे सब ये स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा है वो मान लिया जाएगा? जी जी, हर एक को देखना पड़ता है कि उस स्टैंडर्ड की जरूरत है या नहीं है, उससे कोई फायदा भी है या नहीं है, या किसी के माल बेचने के लिए उस स्टैंडर्ड लगाया जा रहा है। अमेरिका में क्यों 56 किलोमीटर से टेस्ट है? जी जी, यूएसए हमसे पीछा मुल्क तो नहीं है, यूएसए में 56 किलोमीटर पे टेस्ट होता है एनसीएपी का भी, वहां पर ये 64 को नहीं एक्सेप्ट करा पाए हैं। व्हाई? अगर इतना अच्छा स्टैंडर्ड है, अमेरिका में गाड़ियां हमसे कहीं ज्यादा तेज चलती हैं, हमारी गाड़ियां तो हमारी सड़कें ऐसी हैं कि उसमें तेज गाड़ी चल भी नहीं सकती है, तो हायर स्टैंडर्ड और हायर स्पीड पे क्रैश टेस्ट करने का
जब अमेरिका ने नहीं एक्सेप्ट किया है तो मुझको तो उसकी लॉजिक अभी यहाँ समझ नहीं आ रही। आप लोग शायद ज्यादा समझ रहे होंगे कि क्यों ज्यादा स्टैंडर्ड होना चाहिए। कभी ये भी सोचना चाहिए कि वाई 64 किलोमीटर, वाई नॉट 74 किलोमीटर। तो मिस्टर भार्गव, एक्सपोर्ट पर कुछ इम्पैक्ट देखते हैं आप इसका? हालांकि हर कंट्री के अलग रेगुलेशंस हैं। कोई एक्सपोर्ट में नहीं होगा क्योंकि सब इम्पोर्टिंग कंपनीज के जो स्टैंडर्ड्स हैं, गवर्नमेंट से फिक्स स्टैंडर्ड्स हैं, वो हम सब मीट करते हैं। ऑलराइट सर, जस्ट लाइक यू सेड कि अब आप अपने सारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं और आगे जाते हुए 2017 के लिए आप पहले ही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करते हुए नजर आएंगे, तो क्या इसका इम्पैक्ट प्राइसिंग पर भी आते हुए नजर आएगा आगे आने वाले मॉडल्स में? ये तो उस समय देखना पड़ेगा क्या इम्पैक्ट होता है, कितना करना है, क्योंकि हमारे बहुत सी गाड़ियों में बहुत कम मॉडिफिकेशन। बट देयर विल बी अ पैसेज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस बिकॉज ऑफ दी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अपग्रेडेशन। कैन नॉट से इन सम व्हीकल्स, इट मे बी, इट मे नॉट बी, इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट। जी जी जी। मिस्टर भार्गव, एक और कमेंट में लेना चाहूंगी। आज एक और खबर है सुजुकी के पर्सपेक्टिव से और हमने देखा है कि उसका एक रिएक्शन भी आता हुआ दिखा है फ्यूल नॉर्म्स ना मीट करने वाली खबर के बीच में, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसमें मुझे तो कुछ कहना नहीं है क्योंकि उसकी ना तो मेरे को कोई जानकारी है और ना मेरी कोई लोकल स्टैंड है कि मैं जापान के बारे में यहाँ कमेंट करूँ। एब्सोल्युटली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर भार्गव अपना समय हमें देने के लिए एंड फॉर ऑल द क्लैरिफिकेशन ऑन दिस इम्पोर्टेंट बिट ऑफ न्यूज। अगले कॉलर भी हैं फोन लाइन पर, वरुण है हमारे साथ। वरुण, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे दो सवाल हैं। एक स्पाइस जेट है 61.70 रुपए पे 25 शेयर और एक इंडिया वुल वेंचर है 16 रुपए पे 50 शेयर। और स्पाइस जेट में ये कल इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं क्वार्टर फोर के और आज एविएशन पॉलिसी भी है, तो मुझे 9500 तक के टारगेट कब मिल जाएंगे, आज या कल में? मुश्किल है अब टारगेट्स प्रिडिक्ट करना, पर फिर भी आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं। मिस्टर सेठी, परचेजिंग है इनके स्पाइस जेट में 61 रुपए के भाव पर, अभी मुनाफे में है लेकिन 95 से 100 रुपए के टारगेट्स ये देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या अगले एक दो सेशन में अचीव हो सकते हैं। आज एविएशन पॉलिसी पर भी एक्शन हो सकता है कैबिनेट में, कल अर्निंग्स भी है जैसे कि इन्होंने प्रिसाइसली मेंशन भी किया। और दूसरा स्टॉक है इंडिया बुल वेंचर्स, यहाँ पर खरीद भाव है इनका 16.20 रुपए का, दोनों शेयरों पर क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए दीपाली, जहाँ तक स्पाइस जेट का सवाल है, एक चीज़ तो तय है कि आने वाले दो दिनों में ये स्टॉक बहुत ही वोलेटाइल रहने वाला है। आज एक एविएशन पॉलिसी आने वाली है तो उसका आउटकम क्या आता है उस पर जरूर निर्भर करेगा। और दूसरा, जो एक तो स्पाइस जेट के नतीजे हैं कल और तमिलनाडु में इलेक्शंस के भी नतीजे आएंगे और अगर वहाँ पर डीएमके की सरकार आती है तो दैट शुड बी कंस्ट्रूड एज पॉजिटिव फॉर स्पाइस जेट ग्रुप कंपनी है करके। तो मेरी राय में अगर इवेंट्स पॉजिटिव होते हैं तो जरूर उछाल आ सकता है, बट जो इनका एक जो टारगेट है 9500 रुपए का, वो इतनी जल्दी आना मुश्किल है। तो आई थिंक ही कैन कंटिन्यू टू वेट, प्रॉफिट्स में बैठे हैं और मुझे लगता है कल जो इलेक्शन के नतीजे पॉजिटिव आते हैं तो स्टॉक में जरूर उछाल दिखना चाहिए। तो माय रिकमेंडेशन वुड बी टू होल्ड ऑन टू स्पाइस जेट। और जहां तक इंडिया बुल्स वेंचर्स का सवाल है, सॉरी आई डू नॉट ट्रैक दिस कंपनी क्लोजली, सो आई वुड नॉट बी एबल टू ऑफर माय कमेंट ऑन द सेम। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे और अपना अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल है, हमारे पास कॉलर है अभी, इनफैक्ट रमेश है रोहतक से। नमस्कार रमेश जी। मैंने अडानी पोर्ट के 200 शेयर लिए हुए हैं 326 रुपए के रेट पे, ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे जी। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो ये इसका रेट 50% हो गया। बिल्कुल, तो क्या मुझे ये और आगे होल्ड करना चाहिए? अगर इसको मैं बेचूं तो सिंजीन में क्या मैं इसको स्विच कर सकता हूं या कोई और शेयर मेरे को बताया जाए? जी चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। मिस्टर तापरिया, कंसर्न इनकी काफी वाजिब भी है क्योंकि देखा जाए अदानी पोर्ट में काफी डाउन द हिल मूव ही देखने को मिला है पिछले एक साल के दौरान। 326 के परचेजिंग प्राइस के साथ खरीदा हुआ है, 181 पर करंटली चल रहा है। एक अदानी पोर्ट पर और एक जो पिछले कॉलर का सवाल था आईबी वेंचर्स, दोनों पर ही आपका कॉमेंट जानना चाहेंगे। पहले मैं अडानी पोर्ट्स की बात करूं, इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछले 8-10 महीने में काउंटर 375 से लेके लगभग 170 के लेवल तक वो छू चुका है। ओवरऑल काफ़ी नेगेटिव ट्रेंड है और यहाँ पे फिलहाल कोई रिवर्सल का साइन नहीं दिख रहा। हालांकि ओवरसोल्ड हो चुका है बट इसमें अभी तक कोई साइन नहीं है रिवर्सल का। और दूसरा, अब काउंटर यदि टर्न भी होता है तो एक छोटे हल्के बाउंस बैक के बाद वापस सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आने को देखने को मिलेंगे। तो सलाह ये रहेगी कि इस काउंटर के बजाय आप दूसरे काउंटर में शिफ्ट करें। इस काउंटर को कोई भी यदि बाउंस बैक आता है 200 रुपए के आसपास तो इसमें जरूर आप एग्जिट मार सकते हो। दूसरा स्टॉक जो आपने सिंजिन में शिफ्ट होने की बात की, मेरे हिसाब से वो एक बेहतर काउंटर हो सकता है। आई थिंक आपने सिंजिन की बात की थी, फार्मा सेक्टर से ये स्टॉक है। उस स्टॉक में पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है, 393 के आसपास चल रहा है और मेरे हिसाब से 450 से लेके 500 तक के लेवल इसमें छूने को मिल सकते हैं।
और दूसरा जो आपने जो इंडियाबुल वेंचर की बात की उसको मैं रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसका प्राइस पैटर्न है वो इतना काफी ज्यादा एक कन्विंसिंग मूव नहीं दिखा रहा है जी। कुछ और क्वेरीज को शामिल करते हैं, एक एसएमएस ले लेते हैं और ये एसएमएस हमें भेजा है हितेश ने तमिलनाडु से। सवाल है इनका सन फार्मा पर 300 क्वांटिटी और परचेसिंग प्राइस है 880 का, क्या करना चाहिए मिस्टर सेठी? सन फार्मा पर क्या स्ट्रेटेजी आप रिकमेंड करेंगे? नजरें तो इनका मालूम नहीं है लेकिन परचेसिंग प्राइस डेफिनेटली अभी के प्राइस से ऊपर का है, 880 की खरीद है। देखिए दीपाली, सन फार्मा एक बेहतरीन कंपनी है, हालांकि पिछले कुछ महीनों में जो यूएस एफडीए के जो रिस्ट्रिक्शंस या जो नोटिसेज आती हैं उसके कारण से जो पूरा ही फार्मा स्पेस है, एटलीस्ट जो बड़ी फार्मा कंपनीज है उन पे दबाव देखा जा रहा है, इनको भी नुकसान हो रहा है। बट मुझे लगता है अगर ये लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में बने रहेंगे तो यहाँ से बिल्कुल अपसाइड्स देखने को मिलेंगे एंड आई वुड एडवाइस हिम टू कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक, और लंबी अवधि में यहाँ से सब्सटेंशियल रिटर्न्स भी देखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर तो आपको राय मिल ही चुकी है लेकिन ये भी देख लेते हैं कि अब जो पोजिशनल कॉल्स हैं वो एक्सपर्ट्स की क्या है। मिस्टर सेठी, शुरुआत आप ही के साथ करेंगे, कोई ऐसी दो पिक्स आप बताइए जो कि इन्वेस्टर्स इस समय पर निवेश कर सकते हैं और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के नजरिए से वहां पर ह्यूज अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। देखिए साक्षी, जो मेरा पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा मेग मनी ऑर्गेनिक्स। ये कंपनी पिगमेंट्स, एग्री केमिकल्स और बेसिक केमिकल्स बनाती है। स्टॉक आजकल थोड़ा सुर्खियों में है जिसका मेनली कारण यह है कि एक फंडामेंटली एक चेंज देखा जा रहा है, बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इसके परफॉर्मेंस में दिखा है। पिछले 9 महीने के अगर नतीजे को देखें तो जो सबसे बड़ी पॉजिटिव है वो इनके मार्जिन में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है। जो पिगमेंट्स डिवीजन का मार्जिन है वो पिछले साल जो 6.5% था वो बढ़ के 19% इस 9 महीने में हो गया है। तो और इसका मेनली कारण जो है वो है चाइना में जिस तरह से जो पोल्यूशन पे कंसर्न के कारण जो वहाँ की केमिकल्स और पिगमेंट्स बनाने वाली कंपनियों पे एक रेस्ट्रिक्शन या एक स्ट्रिंजेंट नियम लागू किए हैं तो उसका एक इम्पैक्ट देखा जा रहा है। तो आई वुड रिकमेंड अ बाय ऑन मेक मनी ऑर्गेनिक्स इवन आफ्टर द रिसेंट राइज, और मुझे लगता है आने वाले 10-15 दिनों में 46-47 रुपए के भाव देखे जा सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा उज्जीवन फाइनेंशियल, ये एक रिसेंट लिस्टिंग है, कंपनी बेहतरीन है और मुझे लगता है जिस स्पेस में काम करती है वहां पे ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, और वैल्यूएशन के लिहाज से जो इसके पीयर्स है जैसे एसकेएस माइक्रोफाइनेंस या चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इनसे ये काफी सस्ता है अभी भी बढ़त के बाद। तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए और मुझे लगता है 10-15 दिन में 280 रुपए के भाव इसमें देखे जा सकते हैं। तो दो ट्रेड्स बताए हैं यहाँ पर विकास सेठी ने, एक तो उज्जीवन फाइनेंशियल हाल ही की लिस्टिंग 280 के टारगेट्स, और दूसरा उन्होंने बताया मेगमानी ऑर्गेनिक्स। मेगमानी ऑर्गेनिक्स ऑलरेडी बीते एक महीने में 56% चल चुका है लेकिन यहाँ से भी और मजबूती दिखा सकता है, ऐसा सेठी मानते हैं। चंदन, आपकी दो चॉइसेस क्या है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से? देखिए बाजार एक रेंज में कामकाज कर रहे हैं और ऊपर के लेवल पे यहाँ पे सस्टेंस सेलिंग प्रेशर आ रहे हैं, तो ऐसे काउंटर सेलेक्ट किए हैं जिन पे ज्यादा बाजार का मूवमेंट का प्रेशर नहीं रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए पहला काउंटर मैंने गेल इंडिया को प्रेफर किया है। देखिए आज से 7-8 दिन पहले इसने एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था और 10-12 महीनों के बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम बन सकते हैं। हालांकि वापस इसने सपोर्ट को टेस्ट किया है, यानी कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बना के टेस्ट किया, तो यहाँ पे काफी चांसेस है कि नहीं आपको देखने को मिल सकते। हालांकि एक डल काउंटर है बट प्राइस पैटर्न के हिसाब से मेरा मानना है कि 420 तक के मूवमेंट देखे जा सकते हैं, तो कोई भी डिक्लाइन आए 370 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी की जा सकती है। दूसरा काउंटर रहेगा नेगेटिव साइड में, वो रहेगा BHEL। देखिए एक लगातार यहाँ पे 4-5 दिनों से लोअर हाइज बनाते जा रहा है, 50-day मूविंग एवरेज को यहाँ पे तोड़ दिया और वीकनेस यहाँ पे बन सकती है क्योंकि वीकली नेगेटिव पैटर्न बना दिया, तो 125 के स्टॉप लॉस से 111 के टारगेट के लिए बेचेंगे। ऑलराइट, अगले कॉलर भी अब हमारे साथ मौजूद है, पुणे से श्रीकांत ने हमें कॉल किया। नमस्कार श्रीकांत जी। नमस्ते जी, बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके पास श्रीकांत? मेरे पास ICICI है 60 शेयर्स एट द रेट ऑफ 270, ठीक है, और SBI है 130 शेयर्स एट द रेट ऑफ 230। ऑलराइट, और दोनों पर ही आपका होराइजन क्या है, कब तक बने रह सकते हैं आप? 5 to 6 months. चलिए शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का आपका नजरिया है, आपको राय दिलवा देते हैं मिस्टर सेठी। ICICI बैंक और SBI एक प्राइवेट सेक्टर का मेजर है और एक PSU बैंक का मेजर है, दोनों पर ही क्या सलाह होगी आपकी? देखिए साक्षी, दोनों स्टॉक में इनकी खरीद ऊंचे लेवल की है, इनको नुकसान जरूर हो रहा है बट जो करंट लेवल्स पे दोनों स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं वहां से मुझे अपसाइड नजर आती है। इनका नजरिया 5-6 महीने का है, वहां पे थोड़ी बहुत अपसाइड तो बिल्कुल हो सकती है करंट लेवल से, बट इनके जो भाव है जिनमें लिए हुए हैं उसके लिए इनको थोड़ा और समय देना चाहिए। बाकी जहां तक स्पेसिफिकली ICICI बैंक का सवाल है, स्टॉक काफ़ी पिटा हुआ है,
नतीजे से इन्हें डिसअपॉइंट करने के बाद स्टॉक में गिरावट आई है, बट मुझे लगता है यहाँ से बिल्कुल अपसाइड देखे जा सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन दैट स्टॉक। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे अभी आने हैं, बट नतीजों से कोई खास उम्मीद नहीं है, बट मुझे लगता है कि वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर इन एज फार एज देयर एसेट क्वालिटी कंसर्न्स आर कंसर्न। सो यहाँ से अपसाइड बिल्कुल देखी जा सकती है, तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड इवन ऑन SBI। रमेश का सवाल है मुंबई से। रमेश, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मॉर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाख लाख धन्यवाद, आपकी टाइमली गाइडेंस से मेरे को बहुत फायदा हुआ है। शुक्रिया रमेश जी, कोशिश हमारी यही रहती है कि व्यूअर्स को फायदा हो और जी बिजनेस देखकर मुनाफा वो कमाए। अब आप बताइए कौन सा स्टॉक है जिस पर आप राय लेना चाहते हैं? 400 shares at the rate of 78, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ठीक है, कौन सा स्टॉक है आपके पास? ग्रेफाइट इंडिया। विकास, ग्रेफाइट इंडिया पर इनका सवाल है, 75 के आसपास की खरीद है, 73 पर ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हाल ही में अच्छा मूव भी दिया इसने 65 रुपए के लेवल से, अभी क्या करें? इनके परचेजिंग प्राइस के नजदीक ही है, बहुत ज्यादा नुकसान इनको नहीं हो रहा है अभी। सॉरी दीपाली, इस स्टॉक को मैं क्लोजली ट्रैक नहीं करता, तो आई वुड नॉट बी एबल टू ऑफर माय कमेंट ऑन द सेम। जी चलिए, किसी और एक्सपर्ट से आपको कमेंट दिला देंगे रमेश जी। अभी चंदन थापड़िया वापस में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन ग्रेफाइट इंडिया भी 73 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। फटाफट एक और सवाल ले लेते हैं और ये SMS ले लेते हैं एमटेक ऑटो पर है, विनोद का नागपुर से। 300 शेयर है, परचेजिंग प्राइस है 38 का। संक्षेप में मिस्टर सेठी, क्या करें एमटेक ऑटो में? ये आप बिल्कुल बेच के नुकसान बुक कर लेना चाहिए और इस पूंजी को किसी दूसरे अच्छे स्टॉक में लगाना चाहिए। कंपनी बहुत ही खराब हालत में, हाईली लेवरेज्ड है और दूसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी इश्यूज है। जी अगला सवाल भी है, व्हाट्सएप के जरिए हमें मिला है। गुजरात से भूषण ये जानना चाहते हैं मान इंडस्ट्रीज के बारे में। 500 शेयर्स हैं इनके पास, 75 के परचेजिंग प्राइस के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी की हुई है। मिस्टर सेठी, मान इंडस्ट्रीज क्या सलाह होगी? नहीं, मेरी राय में इस स्टॉक से भी निकलने की सलाह रहेगी। फंडामेंटली थोड़ा ठीक लगती है, वैल्यूएशन अच्छे हैं, बट जिस तरह के फैमिली डिस्प्यूट वगैरह में ये कंपनी उलझी हुई है, मुझे नहीं लगता यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड देखने को मिलेंगे। सो आई रिकमेंड अ सेल ऑन द स्टॉक। जी चलिए, राय मान इंडस्ट्रीज पर आपको दी गई है, लेकिन अब रुक कर लेते हैं फिंडो मार्केट का। एक्जैक्टली एक्शन क्या है, वहां से इंडिकेशन क्या मिल रही है? इंडेक्स क्योंकि 7820 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है। वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र, एक कमजोर शुरुआत हुई जो कि एक्सपेक्टेड भी थी और अभी भी निफ्टी 7850 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक रेंज बाउंड मोमेंटम तो दिख रहा है, लेकिन डेरिवेटिव डेटा को देखें तो एक्जैक्टली ट्रेडर्स की स्ट्रेटेजी भी इंडेक्स को लेकर क्या है और कौन से स्टॉक ऑप्शंस जो कि अट्रैक्टिव लग रहे हैं अभी? कि दिवाली प्रेशर तो है मार्केट्स पे और अभी तक फॉर द टाइमिंग शायद यूरोपियन मार्केट से पहले ये प्रेशर रिलीव हो कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स को देखें, निफ्टी स्पॉट को देखें, निफ्टी बैंक को देखें, निफ्टी बैंक फ्यूचर्स को देखें, तो चारों तरफ से नेगेटिव सिग्नल है फॉर द टाइमिंग। और आप शॉर्टिंग देखिए, अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स को देखिए, वो ऑलमोस्ट डे लेवल की ट्रैजेक्टरी पे कारोबार कर रहे हैं, प्रीमियम्स कम हुए हैं और OI काफ़ी सब्सटेंशियल ऐड हुआ है। और निफ्टी फ्यूचर्स में भी अगर आप देखिए तो वहाँ पर करीब 87 से 90 हज़ार शेयर ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं। निफ्टी फ्यूचर्स अगर आप देखें, ऑलमोस्ट ये जो 16,800-16,700 की ट्रैजेक्टरी में कंफर्टेबल नहीं है। लेट्स सी आगे के एक घंटे में क्या अप्रोच होती है इसकी। सबसे क्रिटिकल पॉइंट रहेगा 16,500, तो इंडेसिस फॉर द टाइमिंग बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं। मैं सीधे आपको एक्जैक्टली ऑप्शंस के जरिए समझाता हूँ कि एक्जैक्टली हो क्या रहा है और ट्रेडर्स का बिलीव क्या है। अगर आप ऑप्शंस को देखें दीपाली, 8,000 की कॉल में क्वांटम ऑफ राइटिंग देखिए 9 लाख, 7,900 9.25 लाख जिस लेवल को अभी हम करीब करीब 80 पॉइंट के फ्रैक्शन से सरेंडर करके बैठे हुए हैं। अगर आप 7800 की पुट को देखें, यानी जो अब एट द मनी पुट है वहाँ, सॉरी कॉल है, माफ कीजिएगा, 5.5 लाख, यानी कोई ना कोई इन द मनी कॉल को भी राइट करने का रिस्क ले रहा है। तो प्रेशर लगता है और लगता है कि फॉर द टाइमिंग हम शायद 7800 या 7770 को दोबारा अप्रोच कर सकते हैं। आप पुट्स को देखिए, 7900 की पुट में कम्प्लीटली अनवाइंडिंग है, इसे कहते हैं टायर्ड लिक्विडेशन, यानी मैं पुट बेच के बैठा था, मेरे को लगा था बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन फाइनली जब बाजार नीचे आ रहा है तो मैं अपने पुट्स को अनवाइंड कर रहा हूँ, वहाँ लिक्विडेशन है। 7800 की पुट में लिक्विडेशन है और 7700 की पुट अब अपनी तरफ OI खींच रही है, तो इंडेक्स प्रेशर में रहेगा। अभी लॉन्ग्स अटेम्प्ट मत करिए जब तक कि 7860 मैं कन्विंसिंगली पार ना करूँ। स्टॉक्स देखिए दो प्रेशर में है आज, ITC और एशियन पेंट्स विद इन द इंडेक्स, इन दोनों ही स्टॉक्स में अनवाइंडिंग है। ITC प्रेशर में लग रहा है, एशियन पेंट्स में आज अनवाइंडिंग हो रही है, तो इन स्टॉक्स से थोड़ा सा दूर रहिएगा, इनको कोई बेस बनाने दीजिए ट्रेडिंग बेस, उसके बाद लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। लेकिन आज जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं अपनी तरफ काफ़ी OI खींच रहे हैं, एक IBREL को देख के चलिएगा अगर आप एक स्लो बट स्टेडी मूवर चाहते हैं तो। आज करीब करीब 38 लाख का कंडीशन यहाँ पे हुआ है। ONGC को देखिए, आज बहुत दिनों बाद विद द क्रूड का जो पुलबैक है
उसमें ये पार्टिसिपेट करता हुआ, और आई थिंक अकेले ही पार्टिसिपेट कर रहा है, ONGC 4.25 लाख, और साथ ही साथ इसी स्पेस में एक IGL, इस पर भी नज़र रखिएगा, करीब 2 लाख शो का एडिशन। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर आपको नज़र रखनी है। ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पूरे एक्शन को समझाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इंडेक्सेस पर अभी देखा जाए तो प्रेशर अभी भी बना हुआ है। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं, मध्य प्रदेश से धर्मेंद्र ने हमें कॉल किया। नमस्कार धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ऑल राइट, धर्मेंद्र लगता है सुन नहीं पा रहे हमें। इन्होंने हमें अपना सवाल भी SMS के जरिए भेजा है, वो ले लेते हैं। BF यूटिलिटीज पर ये जानना चाहते हैं। 50 शेयर्स हैं इनके पास, 847 के परचेजिंग प्राइस के साथ इन्होंने यहाँ पर निवेश किया हुआ है। मिस्टर सेठी, BF यूटिलिटीज आपको कैसा लगता है? खासतौर पर देखा जाए तो इनके परचेजिंग प्राइस तो काफी यहाँ पर नीचे आ चुका है, तो कंसर्न इनके लिए है, बट अदरवाइज हाउ डू यू सी द काउंटर? देखिए, स्टॉक में इनको नुकसान ज़रूर हो रहा है, बट मुझे याद आता है कल एक कुछ पॉजिटिव खबरें थी जो कोर्ट ने इनके जो बेंगलोर मैसूर हाईवे के प्रोजेक्ट को लेके एक डिसीजन दिया था कि वो एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें, जो कि एक पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मेरी राय में करंट लेवल्स पे इस स्टॉक पे होल्ड कर सकते हैं जी। अगली क्वेरी ले लेते हैं, और अगला सवाल है हमारे पास MK रंगा का हरियाणा से, और एमटेक ऑटो पर इनकी क्वेरी है। लेकिन एमटेक ऑटो पर क्योंकि हम मिस्टर सेठी की राय ले चुके हैं, इसलिए एक SMS ले लेते हैं, और ये SMS हमें भेजा है राज ने मुंबई से। सवाल है इनका ABG शिपयार्ड पर, 700 शेयर्स इनके पास, जो परचेजिंग प्राइस मिस्टर सेठी वो 71 रुपीज का है। अगेन एक वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा ABG शिपयार्ड, ह्यूज लॉसेज में है ये, इसीलिए इनफैक्ट कई इन्वेस्टर्स तो ऐसे भी जो ट्रिपल डिजिट से भी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं। 28 रुपये पर अभी आ चुका है, क्या करना चाहिए? साक्षी, बिल्कुल बहुत ही ख़राब हालत में है कंपनी, ह्यूज लॉसेस है, डेट भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता इस स्टॉक में बने रहने का कोई भी जस्टिफिकेशन है, सो आई वुड रिकमेंड अ सेल ऑन द स्टॉक जी। चलिए, तो यहाँ पर आपको बिकवाली की राय दी है। अगला सवाल लेते हैं जो हमारे पास आया, झारखंड से आशीष पूछ रहे हैं डेल्टा कॉर्प पर ये सवाल। 200 शेयर्स है इनके पास, 78.15 के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी की हुई है। मिस्टर सेठी, डेल्टा कॉर्प पर आपकी क्या राय होगी? प्रॉफिट्स में तो है, इनको 3-4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए साक्षी, कंपनी ने जो इस तिमाही नतीजे दिए थे वो बहुत ही अच्छे नतीजे थे, और इनमें एक इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रिगर भी एक्सपेक्टेड है कि इनकी जो दमन में प्रॉपर्टी है वहाँ पे कैसीनो के लिए लाइसेंस भी इनको मिल सकता है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है, हालांकि प्रॉफिट में बैठे हैं बट हल्का प्रॉफिट है, तो मुझे लगता है थोड़ी लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में बने रहेंगे तो यहाँ से भी अपसाइड देखने को मिलेंगे। सो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन द स्टॉक जी। अगला सवाल है हमारे पास डेल्टा कॉर्प पर, आशीष का झारखंड से, इनफैक्ट मार्क्सन्स फार्मा पर सवाल है, माफ कीजिए, अमित का भोपाल से। 200 शेयर इनके पास है, जो परचेजिंग प्राइस है वो 89 रुपीज का है। मिस्टर सेठी, मार्क्सन्स फार्मा पर क्या करें? अगेन जो गोवा प्लांट को लेकर अलर्ट आया था तब से ये स्टॉक टूटा था, तब से संभला नहीं, 19 करोड़ के आसपास ट्रेड करा है, इसलिए नुकसान में भी है, अभी क्या करें? देखिए, नुकसान में जरूर बैठे हैं बट जिन लेवल्स पे ये स्टॉक अब आ चुका है यहाँ से मुझे अपसाइड नज़र आती है। फंडामेंटली एक इम्प्रूवमेंट स्टॉक में इसके परफॉर्मेंस में देखा जा रहा है, तो जिसका मुझे लगता है अगर थोड़ा समय देंगे तो यहाँ से बिल्कुल अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में इनको इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। एक कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौरव जैन है इंदौर से। गौरव नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैडम नमस्ते। नमस्ते, क्या क्वेश्चन है आपका? जी, मेरे पे IDFC के 500 शेयर है एट द रेट ऑफ 49 रुपीज, एंड L&T फाइनेंस है 500 शेयर एट द रेट ऑफ 75 रुपीज। IDFC में आपका परचेजिंग प्राइस क्या है? 49 रुपीज। ठीक है, आपको दोनों पर कमी एक साल के होल्ड पीरियड से रखना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। विकास, इनके पास 2 स्टॉक्स हैं, दोनों में ही 1.5 साल ये रुक सकते हैं। IDFC 49 के लेवल पर इन्होंने खरीदे हैं शेयर्स, और L&T फाइनेंस 75 के लेवल्स पर ये खरीदे इन्होंने, हायर लेवल्स पर इन्होंने खरीदा है L&T फाइनेंस। हाल ही में काफी खबरों में भी रहा है, पोस्ट स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी कुछ स्टेक सेल करने की खबरें भी कल आई थी। अभी क्या करना चाहिए साल डेढ़ साल पर्सपेक्टिव से दोनों शेयरों पर? देखिए दीपाली, जहाँ तक IDFC का सवाल है, मेरी राय में इनको इस स्टॉक को बेच देना चाहिए और इसी पूंजी को किसी दूसरे अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। मैं एक्चुअली जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस के कंपैरिजन में जो रिटेल फाइनेंस में जो NBFCs है उन पे बुलिश हूँ, तो उस कैटेगरी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से कोई हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से कोई कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड अ स्विच टू DHFL। और जो दूसरा स्टॉक है इनका L&T फाइनेंस, वो बिल्कुल ये रिटेल फाइनेंस में अच्छी कंपनी है और मुझे लगता है
उसमें ये बिल्कुल साल भर के नजरिए से बने रह सकते हैं। ऑल राइट, चलिए तो दोनों ही शेयर्स पर आपको राय भी मिल चुकी है। एक नजर डाल लेते हैं बैंकिंग स्पेस के शेयर्स पर। अगर आप देखें कोटक महिंद्रा बैंक में आज काफी वीकनेस देखने को मिल रही है, एचडीएफसी बैंक में भी आज काफी वीकनेस है, साथ ही इंडसइंड बैंक भी आज 1.25% तक की गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है। पीएनबी के आज नतीजे आने हैं, कॉरपोरेशन बैंक के नतीजे आने हैं, और कहीं ना कहीं इस पूरे ही सेक्टर में जिन्होंने भी अपने रिजल्ट पोस्ट किए हैं एनपीए कंसर्न क्वार्टर फोर में भी देखने को मिले हैं। और खासतौर पर अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो आज भी आने वाले रिजल्ट में यही आशंका है कि एनपीएस बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में दिग्गज यहां पर लोगों का क्या कहना है आपको बता देते हैं, क्योंकि मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। लेकिन वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भरोसा जताया है कि बैंकिंग सेक्टर कुछ ही दिनों में यहां पर सभी प्रॉब्लम से उभरता हुआ नजर आएगा। मोदी सरकार के 2 साल के मौके पर मेरे सहयोगी मिहिर भट्ट ने जयंत सिन्हा से एक्सक्लूसिव बातचीत की, आइए आपको उसका एक अंश सुना देते हैं। कम से कम अब ये हो रहा है कि बैंकिंग में, पूरे बैंकिंग में भारत के जो मेस था वो एटलीस्ट अब एडमिट हो रहा है और खुल के बाहर आ रहा है। जो आज से कुछ सालों पहले होता था कि बैंक्स कभी खुलकर बोलते ही नहीं थे उस बारे में, बैलेंस शीट में वो होता था, तो ये क्या माना जाए कि आगे चल के आने वाले 1 या 2 सालों में आर वी लुकिंग एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट ट्रांसपेरेंट बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि वो तालमेल आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बीच में कम से कम इस पर तो देख रहा है। हालांकि कई बार हम देखते हैं जैसे ब्याज की दरों को लेकर हो सकता है व्यूज डिफरेंट हो, या महंगाई को लेकर या ग्रोथ को लेकर, पर ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर वी हैव सीन ऑलमोस्ट कंसेंसस। हम लोग बैंकिंग में क्रांति ला रहे हैं और जिस प्रकार से एनपीएस का रिकग्निशन एंड प्रोविजनिंग हो रहा है, और चाहे वो SDR, CDR टाइप के इंटरिम मेजर्स हों, या अब जो हम लोग परमानेंट मेजर्स ला रहे हैं बैंकरप्सी के द्वारा, तो इस सबसे क्रेडिटर राइट्स में क्रांति आ रही है। क्रेडिटर राइट्स को हम लोग बहुत मजबूत बना रहे हैं। तो एक तो हम लोगों ने बैंकिंग में पूरा गवर्नेंस और मैनेजमेंट बदल दिया है, दूसरा हम लोगों ने एसेट क्वालिटी रिव्यू के द्वारा, स्ट्रेस टेस्टिंग के द्वारा सब एनपीएस का रिकग्निशन और प्रोविजनिंग हम लोगों ने किया है, और तीसरा जिसको रेजोल्यूशन प्रोसेस कहते हैं, उस रेजोल्यूशन प्रोसेस को जैसे मैंने कहा CDR, SDR, बैंकरप्सी के द्वारा हम लोग बहुत ही दुरुस्त बना रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ों को अगर आप देख लीजिए, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, एनपीए, एसेट क्वालिटी रिव्यू, रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये तीनों चीज़ें हैं, ये तो बैंकों में एकदम एक क्रांतिकारी समय आ रहा है। और जिस प्रकार से हम पूरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बदल रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि जब से वो नेशनलाइज हुए 1969-1970 में, तब से इतने कोई चेंजेस किसी सरकार ने नहीं लाए होंगे। यहाँ सब शुरुआत करते हैं फटाफट शेयर्स की, और जो पहला सवाल है वो है विशाल का, जम्मू एंड कश्मीर से रिलायंस कम्युनिकेशन के 2100 शेयर्स है 70 रुपए के भाव पर, क्या करना चाहिए मिस्टर सेठी? ऊंचे लेवल पे खरीदा है, बट जिन लेवल्स पे ये आजकल स्टॉक ट्रेड करता है यहाँ से अपसाइड देखी जा सकती है, आई रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। ऑलराइट, होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। अगला सवाल है महेश का राजस्थान से, ये जानना चाहते हैं IDBI बैंक के बारे में, 40,000 शेयर्स हैं इनके पास और 59 के परचेजिंग प्राइस के साथ खरीदा हुआ है, प्रॉफिट्स में है, क्या करना चाहिए? देखिए साक्षी, थोड़ी देर पहले भी हमने जिक्र किया था, इस स्टॉक पे बिल्कुल बने रहना चाहिए, होल्ड की सलाह रही है। जी, अगला सवाल हमारे पास है तलवरकर्स का, पूर्णेश हरियाणा से इन्होंने सवाल भेजा है, 200 शेयर्स इनके पास और जो परचेजिंग प्राइस है वो 212 रुपए का है, क्या करना चाहिए मिस्टर सेठी? तलवरकर्स में थोड़ा सा नुकसान हो रहा है इनको। तलवरकर्स में भी मेरी सलाह होल्ड करने की रहेगी, कंजम्पशन थीम पे बेस्ड एक स्टोरी है, और जिस तरह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, मुझे लगता है इस कंपनी के परफॉर्मेंस में बिल्कुल बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, सर रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। ऑल राइट, होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। अगला सवाल लेते हैं गुजरात से, मेहुल भाई ये सवाल पूछ रहे हैं, रिलायंस पावर पर जानना चाहते हैं, क्वांटिटी मेंशन नहीं की है इन्होंने, लेकिन 50 रुपीज के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है, जिसके आसपास ये अभी चल भी रहा है, क्या करना चाहिए इनको मिस्टर सेठी? रिलायंस पावर में मेरी सलाह रहेगी सेल करने की, और उसी पूंजी को ये टाटा पावर में निवेश कर सकते हैं। जय का सवाल है महाराष्ट्र से, LIC हाउसिंग पर, क्वांटिटी इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन जो परचेजिंग प्राइस है LIC हाउसिंग में वो 461 रुपीज का है, क्या सलाह देंगे मिस्टर सेठी? आप इनके परचेजिंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 449 का लेवल है अभी। अरे बिल्कुल, एक बेहतरीन कंपनी है और बहुत अच्छे सेक्टर की कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस पे मैं बुलिश हूँ, मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल इनको बने रहना चाहिए।
होल्ड ऑन करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। कर्नाटका से अगला सवाल है मनोरंजन का, जानना चाहते हैं जीएमआर इंफ्रा के बारे में। 10,000 शेयर्स हैं इनके पास, 11.80 रुपए के हिसाब से इन्होंने खरीदारी की हुई है। यहाँ क्या सलाह होगी आपकी मिस्टर सेठी? देखिए, इन्होंने जिस भाव पे खरीदा उसके आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड करता है, तो मेरी राय में अभी बने रह सकते हैं, बट उछाल में फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। सवाल है अगला एक्सिस बैंक पर अमित वर्मा का, महाराष्ट्र से 500 शेयर के पास, परचेजिंग प्राइस है 400 रुपीज का। एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा था कल के सेशन में, ये 505 के लेवल्स पर क्लोज हुआ था, आज थोड़ा सा कमजोर हुआ है 500 के लेवल्स पर, लेकिन अभी भी इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। मिस्टर सेठी, क्या करना चाहिए एक्सिस बैंक में? अच्छे लेवल्स पे खरीदा है, मुनाफे पे बैठे हैं, बट मुझे अपसाइड नजर आती है इस स्टॉक में भी, तो मेरी राय में इसको ये होल्ड करके रख सकते हैं। ऑलराइट, बने रहने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। अगला सवाल लेते हैं अनूप का, ये सवाल है पंजाब से, जानना चाहते हैं नितिन फायर के बारे में। 2,000 शेयर्स हैं इनके पास और इनका परचेजिंग प्राइस है 37.20 का। यहाँ पर क्या सलाह देंगे आप मिस्टर सेठी? देखिए साक्षी, नुकसान पे बैठे हैं, बट कंपनी में थोड़ा एक फंडामेंटली इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। रिसेंटली एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है इनको यूएई से, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में इन लेवल्स पे बिल्कुल बने रह सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है नितिन फायर। अगली क्वेरी है एलएनटी पर एम चटर्जी की, पश्चिम बंगाल से उन्होंने भेजी है। 10 शेयर इनके पास, जो खरीद भाव है वो है 1,300 रुपए का। क्या करना चाहिए एलएनटी में? इनकी परचेजिंग प्राइस पर एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है ये। बिल्कुल दीप, सॉरी साक्षी, इनको एलएनटी एक बेहतरीन कंपनी है और जिस तरह से इकोनॉमी में सुधार आएगा उसका एक इंपैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ से अपसाइड बिल्कुल नजर आते हैं, सो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन द स्टॉक। ऑलराइट, बने रहने की सलाह है, स्ट्रांग अपसाइड यहाँ से देखने को मिल सकती है। अगला सवाल है बलराम का, दिल्ली से केईआई इंडस्ट्रीज पर जाना चाहते हैं। 109 के हिसाब से इन्होंने परचेजिंग करी हुई है, क्वांटिटी क्लियर नहीं है, लेकिन 116 के करंट लेवल्स हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली प्रॉफिट्स में है। यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मिस्टर सेठी? देखिए साक्षी, इस स्टॉक में भी मेरी राय में फंडामेंटल्स में सुधार देखा जा रहा है। जिस तरह से सरकार का डिजिटल इंडिया का कैंपेन है, तो ये कंपनी को भी उसका फायदा बनता है, तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन द स्टॉक और लंबी अवधि में यहाँ से और अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल है एचसीसी पर एसआर जैन का, महाराष्ट्र से। इनके पास क्वांटिटी इन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन परचेजिंग प्राइस जरूर बताया, 17 रुपए के लेवल पर ये खरीदे हुए इन शेयर्स को, 19 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, मुनाफा हो रहा है। क्या स्ट्रैटेजी रखे एचसीसी पर? एचसीसी में भी मेरी राय में इन लेवल्स पे बने रह सकते हैं, मुनाफे पे बैठे हैं, बट मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड देखने को मिलेंगे, बट अगर ये 23-24 के आसपास आता है आने वाले 3-6 महीने में, तो वहाँ पे एग्जिट करने का सोचना चाहिए। ऑल राइट, चलिए एचसीसी के हिसाब से आपको राय दी जा चुकी है। दिल्ली से सचिन का सवाल लेते हैं, टाटा मोटर्स पर जानना चाहते हैं। 450 शेयर्स हैं इनके पास, 399 के परचेजिंग प्राइस के साथ खरीदा हुआ है, कुछ नुकसान में जरूर है, क्या यहाँ पर रिवाइवल की उम्मीद कर सकते हैं ये मिस्टर सेठी? अब बिल्कुल एक अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है, आज थोड़ा और दबाव में है बिकॉज ऑफ नेगेटिव न्यूज एज फार एज देयर क्रैश टेस्ट वाज कंसर्न, बट मुझे लगता है यहाँ से बिल्कुल इस स्टॉक में अपसाइड होने चाहिए और मेरी राय में इनको इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। चलिए शुक्रिया मिस्टर सेठी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए शो में शामिल होने।